जी, भाई ये बता दें कि आप कब से कर रहे हैं और कोई फर्क पड़ा है आपके काम पे अब आज के दौर में? मैं ना इस काम को सन 52 से शुरू किया हुआ है अच्छा जी, ठीक है। और 6-8 साल स्टडी में लगाए, उसके बाद फिर मैंने इसको कमर्शियल कर लिया। प्रोफेशनली इसको सन 60 से शुरू किया हुआ है, सन 61 से अब तक इसी स्पॉट पे 23 मिडल रोड पर काम कर रहा हूँ। और मैंने पेंसिल स्केचिंग करना, यानी पेंसिल को रंगीन बना करके पोर्ट्रेट बनाना, पेंसिल से कलर स्कीम वर्क करके मैंने रिवाज डाला है, जबकि पेंसिल से ब्लैक एंड वाइट फोटो को खाली ब्लैक एंड वाइट स्केच के तौर पर यूज़ करते थे। स्कूलों कॉलेजों में पेंसिल स्केचिंग, हाउ टू ड्रॉ द स्केचेज एंड हाउ टू द पेंट इन कलर ऑयल पेंट, वो चीज़ें सब अलग अलग थी, लेकिन पेंसिल वर्क को कलर बनाने में मैंने पहल की और इससे मैंने अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट बनाए कि लोगों ने पेंसिल को ऑयल पेंट से ज़्यादा अच्छा समझा। और ये चूंकि जल्दी भी बन जाती है और ये फिर रिमूव भी हो जाती है, रेज करके इसको दोबारा शक्ल सही की जाती है, इसमें कुछ ईजीनेस है, उसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर हुई। और फिर जो यूनिवर्सल वर्क है वो ऑयल पेंट है, ऑयल पेंटिंग तो मैंने पहले की और ये पेंसिल मैंने क्रिएट किया इस जॉब को। नतीजतन मैं पेंसिल भी जानता हूँ, ऑयल पेंटिंग करनी भी जानता हूँ और पेन वर्क से भी करता हूँ। और एक और चीज़ मैंने ईजाद की जिसे कहते हैं कि जल्दी से काम करना, वो है चॉक। चॉक भी वो टेलरिंग चॉक होता है और फिर इस तरह दूसरे चौक मिलते हैं जिससे ब्लैक बोर्ड पर उस्ताद लिखते हैं, वो भी रंगीन मिलते हैं, उनकी जल्दी काम करने के लिए उनसे भी फोटो बनाता हूँ और ज़रूरत पड़ने से बड़ी भी बनाता हूँ, छोटे से छोटी भी बनाता हूँ। इस काम को रेगुलर करते करते मुझे 58 ईयर्स हो गए हैं माशाल्लाह, और अब आकर के कोई 5-7 सालों से ये जो होता है ना सिस्टम जो निकला है, न्यू टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से आर्ट को करना, ये ना मुझे आता है ना मैंने ये सीखने की कोशिश की है, बल्कि मुझे जो हैंडवर्क करना आता है वो मेरा अब जारी है। काम कम मिलता है लेकिन शौकीन लोग आज भी बनवाते हैं, मेरा गुजारा चल रहा है, लेकिन गुजारा भी मुश्किल है। लेकिन 4 दिन ऐसे भी थे कि लोगों में आर्ट की कदर थी या लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी तो मैं अकेला बनाने वाला था, मेरे पास काम ख़त्म नहीं होता था। अब मेरे पास काम कम है, जबकि मैंने कायदे आज़म के फ़ोटो कौमी नौइयत से 200 फ़ोटो मैंने कौमी बनाए हैं, जिसमें 50 से 60 तक कायदे आज़म, 15-16 अल्लामा इकबाल, अलावा इसके कायदे आज़म के साथी जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में हिस्सा लिया, वो सब के सब बनाए मैंने, और सूफी हजरात के भी और फिर एयरफोर्स वालों के भी और आर्मी के भी। नतीजा ये है कि निशाने हैदर वगैरह भी बना करके 200 चेहरे कौमी नौइयत के बनाए, जिनकी वजह से मुझे न्यूज़पेपर ने कवरेज दी, टीवी मीडिया ने कवरेज दी, स्पेशल इंटरव्यूज़ हुए और जब कायदे आज़म का त्यौहार आता है उस पर नुमाइश लगाने से भी इंटरव्यूज़ हुए, और जब अलामा का कोई त्यौहार आता है उस वक़्त होते हैं, कोई स्पेशली होते हैं। नतीजा ये है कि अच्छा वक़्त गुजर गया, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से काम में कमी आ रही है। सर मैं ये सारी थोड़ी सी बयान हो गया, ज़बरदस्त मैं ये थोड़ी सी पूरा तस्वीरें मैं ये इंटरनेट से जुड़ी तस्वीरें का निकाल इंटरनेट पर जी बता दिया जी हैं, आप बोलते जाइए, ये रिकॉर्ड हो जाएगा। बस ये देखिएगा। अब जो सामने कायदे आज़म का यंग लाइफ का फोटो है वो अवामी चेहरे हैं, ये पीर वारिस शाह साहब जितना भी इंटरनेट पे दुनिया भर में मशहूर हुआ है, ये है वो कदीर खान साहब का मैंने बनाया हुआ है, और उसके ऊपर वो जो आप देख रहे हैं आर्मी के वो साहब हैं, कोई ये 11 पंजाब रेजिमेंट के क्रिएटर हैं और ये बिफोर पार्टीशन ये यहाँ थे और उनकी याद में किसी ने बनवाया। अलावा इसके ये लग
बेशुमार फोटो जो पाकिस्तान में लोगों की जरूरत थी उनको पूरा किया। बहुत से लोगों ने ऐसे फोटो बनवाए जो उनके घर पर जीवित बने हुए हैं, उनके बाप दादा ने उनके लिए जायदाद छोड़ी और उनकी फोटो भी बड़ी लगाई हुई है। ये मीर निजामी साहब हैं, वो 50 साल पाकिस्तान की एक मीर तो ये मैंने टाइटल बनाया था। पंखा बंद करके ना थोड़ी उनकी आवाज में मुझे था पंखा मैंने एक सीमेंट से शेर भी बनाया हुआ है जो अयूब पार्क बिल्डिंग में, वहाँ एक म्यूजियम है उसका गेट है, लोग यहाँ से एंटर होते हैं और अंदर विजिट करते हैं और यहाँ से गुजरते हैं, और ये काम छोटे साइज में भी किया जाता है और जी इस तरह बिल्कुल, से। उस शेर के बीच में उन्होंने स्पीकर भी लगाए हुए हैं और जब लोग गुजरते हैं तो उसमें से आवाज वो आती है। ये मैंने खुद ही बनाया हुआ मैं है। खुद अपने बच्चों के साथ किया हूँ, मेरा ये तजर्बा हुआ है जी वहाँ पे। माशाल्लाह जी बहुत ही प्यारा काम है। आर्ट और से मैंने जी काम किया है, बहुत नजीरा अच्छा, लोगों ने चाहा है, बहुत लोग पसंद करते रहे मेरे आर्ट को। अच्छा। ये